तो यहाँ पर आके मंथली पेरोल शीट जो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है। इसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ इसके ड्यूरेशन टैक्सेस होंगे या डिडक्शंस होंगी, और इस तरह से आपने डिज़ाइन करनी है। तो मैं इसको सबको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेट। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने लिखना है मंथली पेरोल शीट। इसके ऊपर आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस इदारे में बैठ के आप ये शीट बना रहे हैं उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। फिर मंथली पेरोल शीट, फिर यहाँ लिखेंगे मंथ्स, फिर यहाँ एक डेट लिखेंगे किस महीने की आप बना रहे हैं। लेट्स सपोज ये जून की बना रहे हैं तो ये लिखेंगे आप 31/6/2024, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ गया बेनिफिट्स, यहाँ पे आ गया डिडक्शंस। अच्छा, डिडक्शंस और बेनिफिट्स के नीचे क्या लिखना है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नाम, बेसिक सैलरी, ये उसके अलाउंस आ गए बेनिफिट्स में, एजुकेशन, ट्रेवल, हाउस रेंट, टोटल अलाउंस, टोटल सैलरी। अलाउंस और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब और भी किस्म के अलाउंस मिल सकते हैं उसको, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। अलाउंस मतलब जो उसके ऊपर सैलरी के ऊपर उसको मराहत मिल रही है। फिर लोन लिख दिया आपने, फिर ईओबीआई हो गया, टैक्स हो गया, लोन की किस्त हो गई, जकात के पैसे हो गए, ये कटेंगे पैसे महीने में से। तो ये डिडक्शन सेक्शंस में लिखेंगे आप। तो यहाँ पर टोटल डिडक्शंस आ गई, नेट सैलरी आ गई, ये चीज़ें आप यहाँ पे इजीली ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसको, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करना है मर्ज एंड सेंटर। तो ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। सेल स्टाइल्स में जाके इसको टाइटल में कन्वर्ट करना है, बोल्ड कर देना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और सॉरी ज़्यादा हो गया, बेनिफिट्स वाले सेक्शंस पर रखेंगे इसको, करेंगे मर्ज एंड सेंटर। सेल स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे टाइटल, और यहाँ से बोल्ड कर देंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर। सेल स्टाइल्स में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले जाके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। सेल स्टाइल्स में जाके इसको भी आप कन्वर्ट कर देंगे सपोज टू बी हेडिंग 2 के अंदर, और ये इस तरह से नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, इन सबको कन्वर्ट करेंगे आप हेडिंग 1 के अंदर, तो यहाँ से आपने इनको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, फिर रैप टेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको आगे करेंगे, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, एक एक को सेलेक्ट करते जाएंगे, जो गैप्स हैं उनको मर्ज एंड सेंटर करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से क्लिक करके इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे, क्लिक करेंगे इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे, फिर क्लिक करेंगे इसको आगे यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करेंगे इसको यहाँ पे, फिर यहाँ से स्टाइल्स में जाएंगे हेडिंग 2, हेडिंग 3 में कन्वर्ट करेंगे इसको, फिर इसको परसेंट साइन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली लिखें परसेंट में आएंगे नज़र, तो इस पर भी क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लिक करके यहाँ से हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर दें, और परसेंट साइन के लिए परसेंट पे क्लिक कर दें ताकि ये परसेंट में नज़र आए। फिर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और उसको करेंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, फिर ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे, फिर टिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करेंगे, एंड देन फिर नीचे आके ये वाला जो आखिरी वाला रह गया था इसको भी सेलेक्ट करके मर्जेंट सेंटर करेंगे, ठीक है। तो फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पर भी एक थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करेंगे ताकि इसके ऊपर कंपाउंड्स बन जाएं, थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करेंगे, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके कोई ना कोई स्टाइल हम यहाँ से एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में दे देते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो ये इस तरह से थोड़ा सा हमें नज़र आने वाला है, और यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, जितने हिस्से पर आपको काम करना है उतने हिस्से को सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके हम 14 पे रख लेते हैं, और यहाँ से भी हम इसको ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर कर देते हैं, और लेफ्ट राइट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करके, जो टेक्स्ट वाला है वो नीचे वाला रहेगा, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं इसको दोबारा से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके इसको ऊपर ले जाते हैं, ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर, और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ 14 पे रख लेते हैं, और उसके बाद क्लिक करके ये आ गया नीचे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके आपने और नीचे ले जाना है, और नीचे ले जाके आपने इसको कर देना है लेफ्ट अलाइन, और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद आपने इन सारे नंबर्स वाले फॉर्मेट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉमा स्टाइल अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें सब वैल्यूज आने वाली है और वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी। इसके बाद कलर स्कीम्स की बात की जाए तो फिर कलर्स आपने इस पर अच्छे से अप्लाई करना है। लेट्स सपोज अगर आप इसको कोई कलर देना चाह रहे हैं लाइट ब्लू कलर का, और इसको क्लिक करके आप देना चाह रहे हैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का कलर, तो ये कलर्स स्कीम इस पर अच्छी लगेगी, लेकिन इसके ऊपर साथ आपने व्हाइट भी शेड्स पे लगाना पड़ेगा फॉन्ट्स का, थोड़ा सा लाइट कलर को हल्का कर देंगे इस तरह से नजर आए, और देन फिर ये आपका देखें अच्छा सा तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट्स करने के लिए आप इसके ऊपर ब्लू के कंट्रास्ट भी यूज़ कर लें, यहाँ ग्रीन यूज़ कर लें, और यहाँ पर रेड का कंट्रास्ट यूज़ कर लें, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये पैसे कटेंगे और ये ऐड होंगे, ये कटेंगे ये ऐड होंगे, ठीक है। और इनके अलाउंसेस को भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे ग्रीन दे दें, और यहाँ पे जो फॉन्ट का साइज़ है वो ब्लैक कर दें, और यहाँ पर भी अलाउंसेस जो हैं वो रेड का लास्ट लाइट वाला कलर दे दें, और उसका जो अलाउंस का जो टैग है उसको बोल्ड कर दें, तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। और अगर नीचे भी स्ट्रिप्स बनाना चाहें
तो यहाँ पर भी अच्छी सी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। एक आप बना दें लाइट ग्रीन की स्ट्रिप बना दें, और दूसरी बना दें आप लाइट ब्लू की स्ट्रिप बना दें, तो ये भी एक कलर कंट्रास्ट इसका अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो है ना मंथली पेरोल शीट का एक पूरा कंप्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस तरह से ये आप इस तरह की शीट को डिज़ाइन इजीली कर पाएंगे। सही है, समझ में आई बात ये?